नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे पौराणिक पात्रों के बारे में बताएंगे जिनका जन्म माता के गर्भ के बिना हुआ था। तो आइए जानते हैं। पहले पात्र हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शर्दवान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्विद्या में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। शर्दवान की घोर तपस्या और धनुर्विद्या में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए थे। इसलिए उन्होंने शर्दवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वह शर्दवान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शर्दवान के हाथों से धनुष बाण गिर गए थे। वे बड़े संयमी थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया था, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष बाण, आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में बंट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे। उनकी नज़र उस बालक व बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। उन्होंने बालक का नाम कृप रखा और बालिका का नाम कृपी रखा। जब शर्दवान को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम, गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें कुरुवंश का कुलगुरु नियुक्त किया गया। दूसरे पात्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव व पांडव राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। एक दिन वे ऋषियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर्य रसखलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोणाचार्य को अग्नियस्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।